हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रज्वल सिंह आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में बच्चों हमने राउल्ट के नियम के विषय में पढ़ रखा था, और यहां पे आज हम पढ़ेंगे बच्चों आदर्श विलयन क्या है। तो आदर्श विलयन क्या है, जो राउल्ट के नियम को फॉलो करे, बस इतना ही जानते रहिए। आदर्श विलयन ऐसे विलयन हैं जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब आदर्श विलयन क्या बच्चों, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करे उन्हें क्या कहें बच्चों, आपका आदर्श विलयन कहेंगे। तो जैसे कि आदर्श विलयन कुछ बात कर ले, तो जैसे कि आदर्श तो होता कुछ नहीं बच्चों, आदर्श विलयन आपका हमारे नेचर में मिलेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, जनरली कुछ विलयन ऐसे हैं जो लगभग राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, जैसे यन हेक्सेन, यन हेप्टेन, जैसे कि आपका एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, जैसे कि आपका एन हेक्सेन और यन हेप्टेन, जैसे बच्चों आपको क्या होगा, एन हेक्सेन व एन हेप्टेन, ये बच्चों का पहला एग्जांपल। और सेकेंड क्या हो गया आपका, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड व एथिल ब्रोमाइड का मिश्रण। तो ये लगभग बच्चों आपके आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। और एक नोट हम बता रहे बच्चों, इसे आप ध्यान रखिएगा, तनु विलयन लगभग आदर्श विलयन के भांति व्यवहार करते हैं। तो जो ये चीज आप जानते रहिएगा, आदर्श विलयन क्या है और तन विलयन लगभग आदर्श विलयन के भांति बच्चों क्या करते हैं, आपका व्यवहार करते हैं। ये चीज आप जानते रहिएगा। और कुछ चीज़ें और हैं जो हम आपको बता रहे हैं आदर्श विलयन कुछ गुणधर्म या आदर्श विलयन के विषय में कुछ बातें। देखिए, अगर कोई आदर्श विलयन होगा तो जो आपके जैसे कि विलय और विलायक होंगे, जैसे कि बच्चों आप यहाँ पर समझिए, कुछ हम इसकी विशेषताएं आपको बता रहे हैं। इसकी कुछ विशेषताएं बच्चों बता रहे हैं, जैसे कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया और उसमें आपका ए कोई विलेय है और प्लस बी कोई विलेय है, और आपका जो सॉल्यूशन बन रहा है टू ए बन रहा है, मतलब इस बंद को जो आपका ये बंद ब्रेक हो रहा है बच्चों, और जो आपका ये बंद ब्रेक हो रहा है, अब बंद ब्रेक होने में क्या चाहती है आपको, एनर्जी चाहती है, और एनर्जी आपने लिया और आपने यहाँ पर एनर्जी लगाया, और जब ये ब्रेक हुआ तो आपका जो बंद बना तो एनर्जी निकलेगी, क्योंकि बंद बनने में आपकी ऊर्जा निकलती है। अगर आपने यहाँ पर, हमने मान लिया ये जो बंद ब्रेक हुआ यहाँ पर 2 kJ की ऊर्जा निकल रही है, 2 किलो
जूल्फी जहाँ पर निकल रही बच्चों, और यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे टू मान लिया बच्चों, यहाँ पर कितना लिया आपका फोर। तो अब टू यहाँ पर निकल रही है, सॉरी यहाँ पे टू लग रही है, यहाँ पर फोर लग रही है, और यदि आपका ये जो बना है टू ए बी, और यहाँ पर देखिए चार दो छः, और यदि यहाँ पर छः किलो कैलोरी की ऊर्जा निकले तो आप क्या कहेंगे, हाँ तब तो ये आपका क्या है, आदर्श विलयन है। तो कहने का मतलब निकला, जो आदर्श विलयन में एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा एच, मिक्स क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो एंथैल्पी चेंजिंग क्या आना चाहिए बच्चों, आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच क्या आना चाहिए बच्चों, जीरो आना चाहिए। और कुछ बातें बता रहे बच्चों, जैसे कि हमने एक कंटेनर लिया और इसमें जो पदार्थ लिया वो आपका ए ए है, और एक कंटेनर लिया इसमें पदार्थ आपका क्या बच्चों, बी बी है। अब इन दोनों को हमने मिक्सअप किया, मिक्स किया तो आपका क्या होना, टू ए बी बना बच्चों। अब जो बच्चों आपका टू ए बी बना, तो यदि यहाँ पर यहाँ का जो आयतन हो बच्चों, अगर आपका ये जो बंद ब्रेक हुआ है, ये जो बंद ब्रेक हुआ है, और ये जो बंद आपका क्या बना हुआ, अगर दोनों तरफ की एनर्जी आपकी समान रहे बच्चों, तो लगभग आयतन भी समान होगा। अगर एनर्जी समान होगी, क्योंकि अगर इसको ब्रेक होने में जितना ऊर्जा लगाया उतनी ऊर्जा हमें मिल गई, तो कहने का मतलब एनर्जी आपकी समान, और यदि आपकी एनर्जी समान होगी तो बच्चों आयतन भी समान होगा। तो कहने का मतलब जो डेल्टा वी एम, जो डेल्टा वी मिक्स निकलेगा बच्चों, वो भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो ये दोनों फार्मूला को भी याद रखिएगा कि आदर्श विलयन में जो डेल्टा एक्स मिक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, और जो डेल्टा वी में एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो ठीक है बच्चों, यह रहा आपके आदर्श विलयन के बारे में लेक्चर। तो आदर्श विलयन को आप थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से लर्न कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये भी आपके आदर्श विलयन से गुड़ के बारे में पूछे, वेरी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे बच्चों कोई पूछे आदर्श विलयन की विशेषताओं के बारे में, तो कम से कम आठ डेल्टा एम आई एक्स, मतलब डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू जीरो, मतलब आपकी जो एंथैल्पी चेंजिंग कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, न के बराबर, मतलब जीरो होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपका आयतन परिवर्तन भी कितना होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए। अगर बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई हेडिंग के साथ, जो आपका होगा अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ठीक है, गुड बाय एवरीवन।